पॉडकास्ट विद शर्मीन। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और यमी खीर की रेसिपी। काजू और अंजीर को यूज करते हुए हम बनाएंगे काजू अंजीर खीर। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में हम डालेंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे खीर का फ्लेवर और भी एनहांस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना काजू अंजीर खीर। काजू अंजीर खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 12 अंजीर। यहाँ पर मैं सॉफ्ट वाले अंजीर यूज कर रही हूँ। अगर आपके अंजीर हार्ड हैं तो आप उन्हें आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर लीजिए, उसके बाद कट कर लें। यहाँ पर अंजीर सॉफ्ट है, मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। इस तरह से कट करके एक साइड पे रख दें। अब हम लेंगे काजू, आधा कप काजू यहाँ पर यूज करेंगे, और एक टेबल स्पून यूज करेंगे बासमती राइस। बासमती राइस और काजू को हम धो के 10 मिनट के लिए पानी में सोक करेंगे, और फिर इन्हें मोटा मोटा पीस लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। हमें ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, इसे दरदरा सा पीस लेना है। अब हम खीर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मोटे तले वाले बर्तन में दूध गर्म होने रख दिया, 1 लीटर दूध है ये। मेक श्योर आप पैन जो यूज करें या बर्तन यूज करें वो मोटे पेंदे वाला हो। 1 लीटर दूध हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें उबाल आने लग गया है, इसमें ऐड कर देंगे काजू और चावल जो हमने पीस के रखे थे। और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट तक काजू और चावल जो हमने ऐड किए थे उसे हमने लो हीट पे कंटिन्यूस मिलाते हुए पका लिया। अब हम उसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को मैंने थोड़े से दूध के साथ में मिक्स कर लिया था, ये डाल देंगे। साथ ही साथ डालेंगे शक्कर, 4 से 5 टेबलस्पून शक्कर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस हिलाते हुए इसे भी कुक करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने ऐड किया है, इससे हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी। कस्टर्ड पाउडर ऐड करके मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक कुक कर लिया। अब इसमें डाल देंगे अंजीर जो हमने कट करके रखे थे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आप मावा डालना चाहें तो मावा भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंजीर ऐड करके भी हमें इसे 5 मिनट्स तक कुक करना है, ताकि अंजीर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब खीर को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए रोज एसेंस 2 से 3 ड्रॉप। आप इलायची पाउडर ऐड करना चाहें तो 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट गुलकंद। 1 टेबलस्पून गुलकंद इसमें डालेंगे, इससे हमारे खीर का फ्लेवर और भी एनहांस हो जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं खीर को सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। खीर को यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे काजू और अंजीर से, और फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।